आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बेसिक मसालों से बनी हुई आलू मटर की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। उसके लिए मैंने ले लिए हैं बॉईल किए हुए आलू एक बड़ा बॉल, एक कटोरी मटर, गार्निश करने के लिए हरा धनिया, हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जीरा, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन और हरी मिर्च और लाल मिर्च कटी हुई, आधी चम्मच हींग और कद्दूकस की हुई अदरक। अब अदरक और हरी मिर्च को और बाकी जो मसाले हैं उन सबको मिक्स कर लेंगे एक छोटी कटोरी के अंदर और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसमें अजवाइन और जीरा डाल देंगे और उसके बाद जो मसाले मिक्स किए थे हरी मिर्च और अदरक के अंदर वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा कुक होने के बाद हम इसमें मटर मिला देंगे और उसको अच्छे से ऑयल छोड़ने तक पका लेंगे, बीच बीच में चलाते रहें। यहाँ पे हमारा मसाला पक चुका है और अगर आपको सिर्फ मटर की चटनी बनानी है तो यहाँ तक मेरी रेसिपी को फॉलो करें। उसके बाद मैंने इसमें मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने बॉईल किया हुआ पानी डाल दिया है। पानी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, मैंने कम ही पानी डाला है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए सब्जी को बिना ढक्कन के बॉईल कर लिया है ताकि इसका पानी सूख जाए। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़का पैन लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल गरम किया है और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर तड़का बनाकर सब्जी में डाल दिया है। अब हरे धनिया से गार्निश करें और सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।